आगरा में द्वारिकापुर गांव के रहने वाले सतीश चंद्र पुत्र भूदेव का इकलौता बेटा 5 माह पहले अचानक गुम हो गया और 2 दिन ढूंढने के बाद जैसे ही उसे ग्रामीणों से पता चला कि वो शाम के समय रेलवे ट्रैक पर खड़ी ट्रेन पर चढ़ गया था, तो बस उसने साइकिल उठाई और रेलवे ट्रैक के सहारे बेटे को ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते हुए 5 महीने में करीब 1900 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक के सहारे साइकिल चला डाली। व्यक्ति अपने बच्चे को 5 माह से साइकिल पर घूम घूम कर हजारों किलोमीटर दूर तक ढूंढाया। उसके पास थाने की मोहर लगी तहरीर की कॉपी भी थी, पर जब उस तहरीर के आधार पर हाथरस के गुमशुदा प्रकोष्ठ में नरेश पारस द्वारा जानकारी ली गई, तो पता चला कि उसे सिर्फ तहरीर पर मोहर लगाकर दे दी गई थी और उस बच्चे की गुमशुदा बच्चों में एंट्री तक नहीं हुई थी। नरेश पारस ने उक्त मामले की शिकायत मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पुलिस मुख्यालय तक को की है और वहाँ से मामला हाथरस पुलिस को फॉरवर्ड किया गया है। सतीश चंद्र ने बताया कि उसका 11 साल का बेटा गोदना अचानक गायब हो गया। सतीश के एक बेटी बुखार में और एक बेटा एक्सीडेंट में खत्म हो चुका था और उसके पास इकलौता पुत्र गोदना ही बचा था। 2 दिन तक सतीश ने उसे आसपास ढूंढा और फिर 28 जून को उसने थाना हाथरस में तहरीर दी, जहां उसकी तहरीर पर मोहर लगाकर तहरीर रिसीव कर ली गई। इसके बाद उसे ग्रामीणों से पता चला कि उसका बेटा शाम के समय गांव के बाहर रेलवे ट्रैक पर खड़ी ट्रेन में चढ़ा था। सतीश का पुत्र जबान भारी होने की परेशानी के कारण ज्यादा बोल नहीं पाता है। सतीश को पता चला कि यहाँ से शाम को दिल्ली से कानपुर की तरफ ट्रेन जाती है और बस वो साइकिल उठाकर निकल गया। गांव से वो रेलवे ट्रैक के सहारे टूंडला पहुंचा और वहाँ से ट्रैक के सहारे कानपुर और फिर कानपुर से मथुरा के बाद मथुरा से झांसी और उसके आगे बिना तक पहुंचा। यहाँ से उसे किसी ने दिल्ली की तरफ जाने की सलाह दी और वो ट्रैक के सहारे चलते हुए पुरानी दिल्ली पहुंचा। दिल्ली ढूंढने के बाद वो ट्रैक के सहारे ही आगरा के बरहन कस्बे तक पहुंच गया, जहां कुछ लोगों की नज़र उस पर पड़ गई और वो समाज सेवी नरेश पारस के पास आगरा आ गया। सतीश ने बताया कि उसके पास पैसे नहीं हैं और वो जिस भी गांव पहुंचता था लोग उसकी व्यथा सुनकर खाना खिला देते थे, वरना वो भूखा ही रह जाता था। ऐसे में इमरजेंसी के पास जब वो नरेश पारस का इंतजार कर रहा था, तब भी वो साइकिल पर घूमता हुआ लोगों को अपने बेटे की फोटो दिखाता चल रहा था। उसने बताया कि 5 माह से वह पत्नी से मिला नहीं है, बस गांव में किसी के फोन पर फोन करके उसकी बातचीत हो जाती है। समाज सेवी नरेश पारस का कहना था कि यह सामाजिक अपराध है कि काम न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 24 घंटे में बच्चा न मिलने पर अपहरण का मुकदमा लिखने के कानून की अवहेलना पुलिस द्वारा की जा रही है। उन्होंने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री और डीजीपी तक से की है और आगे भी उसे न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। मैं कानपुर तक झांसी तक ले गया सर और मीना स्टेशन तक भी आया और मैं अपना पुरानी दिल्ली और हाँ साइकिल से सर 5 साल हो गए, 5 महीने हो गए, 5 महीना हो गए। मैं इतना ऐसे साइकिल से घूम रहा हूँ सर, एक ही बच्चा है मेरे पास, खाना माना ऐसा खाता हूँ मैं, आपके किसी काम में पहुँच गया उनके यहाँ से खा लिया और किसी ने दे दिया तो दे दिया, न दिया तो मैं भूखा रह रहा हूँ और ऐसे काम में ऐसे बस्ती से खा लेता हूँ। काम मतलब पुलिस में मैंने रिपोर्ट करी थी, कोई सुनवाई नहीं सर करी अभी तक, हाँ कोई सुनवाई नहीं की है, मैं रिपोर्ट करी बट मतलब स्टेशन से ट्रेन में गया है, मतलब काम बारे में आसपास के लोगों ने बताई थी मुझे, हाँ ट्रेन में बैठ जाए, ट्रेन में आप तक घंटा भर 1.5 घंटा पिटी है तो ट्रेन में बैठ गया है बच्चा, फिर गाड़ी चल गई है बच्चा चला गया है। मैं मतलब पुरानी दिल्ली और मतलब यहाँ इधर कानपुर साइड में कानपुर तक और मथुरा जंक्शन झांसी मीना इच्छी तक गया हूँ, मीना स्टेशन तक, अभी तक बच्चा सर नहीं मिला है अभी तक। अच्छा 5 महीने पहले एक बच्चा गायब हो गया था, बता रहे थे कि ये रेलवे स्टेशन पर कहीं गया था तो उसमें बैठ के ये चला गया, तो उन्होंने कुछ दिन बाद मैं थाने में रिपोर्ट, ये अपने बच्चे की तस्वीर लेकर रेलवे ट्रैक पर घूम रहे थे साइकिल लेकर, वहाँ से किसी परिचित ने मुझे बताया कि एक व्यक्ति है जिसके हाथ में एक बच्चे का फोटो है, जगह जगह पूछता जा रहा है, तो फिर मैंने उनसे जब बात कराई तो उसने बताया कि मेरा बच्चा खो गया था, इस संबंध में मैं उसको पूछते हुए यहाँ आगरा आया हूँ। जब इनसे मैंने बात की तो फिर मैंने यहाँ बुलाया इनको आगरा, तो आगरा में जब इनके दस्तावेज मैंने देखे तो इन पर एक तहरीर की कापी है जिस पर थाने की मोहर लगी है, उस मोहर के आधार पर मैंने वहाँ के हाथरस के गुमशुदा प्रकोष्ठ में जानकारी की, तो गुमशुदा प्रकोष्ठ में बताया
कि इस बच्चे का यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, फिर उसके बाद में जब मुझे पता लगा कि जब बच्चे की गुमशुदगी दर्ज ही नहीं हुई है, मुकदमा दर्ज ही नहीं किया, तो ये कैसे तलाश करेंगे। फिर इस संबंध में फिर मैंने पुलिस मुख्यालय लखनऊ को ट्वीट किया था, जिसके आदेश में उन्होंने वहाँ के DIG रेंज को आदेश करने के लिए कहा गया है। और वहीं फिर मैंने मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल पर भी अपील डाल दी गई है कि इस बच्चे को तलाश किया जाए, तो जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से भी कार्रवाई के लिए आदेश जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक बच्चे की तलाश के लिए कोई बहुत संतोषजनक कार्रवाई नहीं की। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये इटावा, कानपुर, दिल्ली, रेवाड़ी, झांसी और तमाम जनपदों में जा चुके हैं, वो भी रेलवे ट्रैक के सहारे। मैंने एक तो ट्विटर के माध्यम से मुख्यालय लखनऊ को, पुलिस मुख्यालय को ट्वीट किया है, उधर मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर मैंने किया है, वहां से दोनों जगह से IG और DIG के लिए निर्देश जारी हो चुका है, ADG आगरा के लिए निर्देश जारी हो चुका है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि 24 घंटे के अंदर अंदर लापता बच्चे की किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन पुलिस इन कानूनी कार्रवाइयों को ढिलाई बरतती है, क्योंकि अगर वो रिपोर्ट दर्ज करेगी तो उसको उसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा और बच्चे को ढूंढना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने इस बच्चे की रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। तमाम ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर पुलिस ऐसे बच्चों की रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है। देखिए, एक तो ये है कि जिस तरह से इस पिता के साथ में ये दर्दनाक स्थिति है, क्योंकि अगर इसके परिवार के बारे में अगर जाएंगे तो इनके दो बच्चों की पहले ही मौत हो चुकी है, इनके पास एक ही एक बच्चा था जिसके सहारा था, लेकिन अगर इसकी भी अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है तो ये पुलिस की तरफ से एक बहुत बड़ा अपराध है। आगरा से कपिल अग्रवाल की रिपोर्ट।